अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजाद। उम्मीद करता हूँ सारे फिट फाट होंगे। जैसे कि बाबा जी आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में जोर होता है लोबी का, तो जैसे ही दो तीन वीक गुजर जाते हैं उसके बाद फिर लोबी ऐसी आ जाती है कि समझ लो कि कंटेंट निकालना तो बड़ी दूर की बात है। पूरे पूरे मैच में मतलब समझ लो कि एक दो क्लच ही होता है, एक दो एक ही होता है, मतलब कि स्क्वाड पूरा मिलता ही नहीं है। और कभी जब मिले तो मेरे टीममेट मार देते हैं छोकरिया वे, और जब मैं कभी क्लच करने लगूं तो छोकरिया वे एनमी मार देते हैं मुझे। चलो खैर, बाकी ये सब तो चलता रहेगा। सबसे पहले सारे भाई लाइक वगैरह कर दो, और कमेंट तो फिर आपको पता है लास्ट में मजा आता है, क्योंकि वीडियो सारी देख के फिर कमेंट करे बंदा तो फिर ही जासा होती है उसकी। तो इधर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ बाबा जी अरबियों, मतलब के स्टार्ट अरबियों से लेंगे। तीन बंदे होते हैं ये हम पे रश कर रहे होते हैं, तो फाइट चको फिर मिलते हैं। एक बंदे को डाउन करके दूसरे बंदे पे मैं एम मैंने रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था ये सीधा रश करेगा। अब तीसरा बंदा इनका बचता है, उसको भी लेंगे। ये जो हर अपडेट में पुठी पुठी मतलब ये चीजें लाते हैं ना पबजी वाले। अगला एम करके बैठा हुआ मैं, मतलब कि जल्दी से मोली मार देता हूँ। अब ये नुक्कर में जाके बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये निकल तो सकता नहीं था। अगर निकलता तो मतलब आग से मरता, अगर ना निकलता तो मुझसे मरना था इसने, तो बाकी इसका तो प्रोग्राम बढ़ जाता है इधर। अच्छा जी, तो चलते हैं दूसरे चक्कर की तरफ। तो 48 किल्स वाला मतलब चक्कर जो है वो है मतलब मिक्स मैंने की हुई है, तीन गेमें, तीन गेमों में मैंने 48 किल्स की हैं। तो उनमें से जो भी मतलब के हैवी हैवी सीन थे वो मैंने निकाल के इधर डाल दिए हैं। मतलब फुल गेम प्ले मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, क्योंकि वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मतलब बोरिंग सीन होगा, तो मैंने वो काट दिए सब कुछ। बाकी ये वाला क्लच आप लोगों ने देख लिया, एक बंदा मैं गाड़ी से मारता हूँ, दूसरा मैं मतलब थमसम से मारता हूँ, और तीसरा मैं मोली से जला देता हूँ बंदा। इधर मेरा 1v3 हो जाता है। बाकी चलते हैं दूसरे क्लच की तरफ। यहाँ पे मतलब हम बंदे ढूंढ रहे होते हैं, तो सामने से गाड़ी गुजरती है, एक बंदा मैं उतार लेता हूँ, एक टीममेट उतार लेता है। इसके बाद इधर सामने दो टीमें लड़ रही होती हैं, तो बीच में हम घुस जाते हैं, तो इनको मैं गाड़ी से मार देता हूँ, दो बंदे इनके। यू नो फिर मतलब गाड़ी से मारना बड़ा आसान है, तो इसके बाद फिर मैं गाड़ी से उतारूंगा बंदे आप लोगों के सामने, चेक करो। बाकी इधर मेरा 1v3 मिस हो मतलब होने वाला था, लेकिन बाय चांस मैंने MG निकाल के दो तीन बुलेट लगती हैं उसको, क्योंकि पहले भी डैमेज होता है। इसके बाद बाबा जी ये सीन मेरे साथ होने वाला है अभी बड़ा गलत सा। टीममेट करवाते हैं, चेक करना ज़रा कि इनकी क्या गलती होती है इधर। नाक चेक किया, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब गलती क्या हुई है, गलती क्या हुई है ये आप लोग देखो ज़रा अभी। हमें बंदे की लोकेशन पता नहीं होती, वो स्क्वाड हाउस में होता है, तो मैं नाक हो जाता हूँ। इसके बाद ये मुझे रिवाइव करने किधर बैठ जाता है, चेक करना जरा। तो नूब नहीं है ये, मतलब कि इसको समझ नहीं आई, ठीक है, मतलब इसकी गाली सुनी है, इसको गुस्सा बड़ा आया, लेकिन 14 साल का बच्चा है ये, मतलब गलती से हुआ है इसको, मतलब जानबूझ के नहीं किया, या फिर नूबड़ापंती इसने नहीं की इधर। बाकी खैर चलते हैं दूसरे मतलब गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे मैं लकड़ बकड़ बंदे मार के इधर आता हूँ, तो यहाँ पे पूरा स्क्वाड होता है, तो इन्होंने अभी मुझे मार देना है, फिर इनके साथ भी रिवेंज होगा, रिवेंज वाला सीन होगा इनके साथ।
बाकी नाक करने के बाद बड़ी अच्छी सी पीक लेके फिनिश करते हैं। तू सब्र कर, तू ले है पीका वाला, तेरी मैं कड़ना पीका आन के। इतना पीछे से लूट वगैरह कर कर आते हैं, तो चार मतलब चार लोंडे हम होते हैं और चार लोंडे वो होते हैं, तो इनके साथ फिर फाइट चको मिलते हैं। ऐसे एक बंदा तो मैं नाक कर लेना, बाकी मैं राह नहीं लगता है, मैं कह नसा कितू मैं, क्योंकि तीन बंदे होंगे ने, असं दो इतने होंगे, दो साडे बंदे पिछे होंगे ने, बाकी नस भज के सह लै के इधर बंदा मुझे मिल जाता सामने, तो यहाँ पे दो नाक हो जाते हैं इनके। अब इधर मेरी नज़र में इनके तीन बंदे नाक हो गए हैं, मतलब कि लास्ट बंदा इनका बचता है, तो जैसे ही मैं इस बंदे पर रश करता हूँ, इनका पीछे से एक और बंदा आ जाता है। इधर इनका मैं फिर एक बंदा नाक करता हूँ, लेकिन जिन जिसको मैंने पहले नाक किया होता है वो रिवाइव होकर मुझे नाक कर देता है। इधर इन पे मेरा 1v3 हो जाता है। इधर बाबा जी हमें रोजक में फायर मतलब फायर का साउंड आता है, तो मैं मतलब चार बंदों में घुसा देता हूँ गाड़ी। अब कैसे हैंडल होना है चेक करो जरा। चलो इधर टीममेट्स का कवर चेक करो। मैं मतलब जैसे ही कमरे में आता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही होती, बंदा राइट लेफ्ट दोनों साइड पे होते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा कवर मतलब टीममेट्स की तरफ से मिलता है मुझे, तो यहाँ पे इनका तीसरा बंदा होता है वो भी मैं नाक कर देता हूँ। अब इनका चौथा बंदा है वो घर में सामने, तो इनके साथ भी फाइट अभी रहती है मेरी, सब्र करो। ये मुझे किसी और स्क्वाड की तरफ से बढ़ती है, तो यहाँ पे दो बंदे सामने होते हैं, तो इनको बढ़ के जाके मारते हैं। इधर ये वाला स्क्वाड डेड हो जाता है। बाकी आपको नजर आया होगा गेम में कि एक बंदा इस तरफ आया था, तो मैं इसके पीछे आता हूँ, तो अन्ना रश कर देता हूँ इन पे, ठीक है, तो ये बंदा मुझे मार देता है, तो इधर प्रोग्राम बढ़ जाता है समझो। 30 अभी ये लाइव होते हैं, तो 11 किल मेरे होते हैं इधर, तो काफ़ी किल मैं निकाल सकता था, लेकिन चलो खैर, मेरा मकसद आप लोगों को क्लच वगैरह दिखाना है, तो ये फजूल किल, ये एक किल कर दिया, दो किल कर दिए, तो बाकी आप लोग स्प्रे चेक करो चाहे सही है कि नहीं। बाकी इधर अभी मतलब कि बंदे इतने नहीं है, जैसे ही हम एक दो बंदा मारेंगे इसके बाद हम पे स्क्वाड रश करेगा। एक बंदा मैं नाक कर चुका हूँ, अब दूसरा जो होता है वो कैंपर होता है, ये वाइट टावर में बैठा होता है, सामने मैं स्प्रे दे रहा होता हूँ, तो साइड पे बंदा मतलब नाक हो जाता है मेरा। इधर आप मतलब मैं टीममेट को कह रहा होता हूँ कि चलो बंदों पे जाते हैं, तो पीछे से तीन बंदे आते हैं, पूरा स्क्वाड होता है मतलब तीन बंदों का, तो इनको मैं अभी चेक करो फिर क्या होता है इनके साथ। एक बंदा इनका लेफ्ट जाता है, तो उसको मैं नाक कर देता हूँ, तो सामने दो बंदे होते हैं, इनको मैं नेड्स वगैरह करा रहा होता हूँ, वो भी नेड्स वगैरह करा रहे होते हैं। इधर जैसे ही एक बंदा नाक होता है, तो मैं सामने रश कर देता हूँ इस पे। इधर मैं इसको ढूंढ रहा होता हूँ, तो मुझे लोकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो जैसे ही मैं छलांग मारता हूँ, ये सामने से मतलब सरप्राइज देता है मुझे, तो बाय चांस मैं मार देता हूँ इसको, क्योंकि चेक करो एचपी मेरी। अब इसके बाद जो बंदे जिन बंदों पे हम जा रहे होते हैं, जिनको मैं स्प्रे दे रहा होता हूँ, तो दो ही बंदे होते हैं सामने, तो एक बंदा स्पाइडर लगा के मेरे छत पे आता है, तो ये नेट चेक करो। इस बंदे ने बाबा जी बड़ा दौड़ाना है हमें। अब मैं इस छत पे आता हूँ तो वो अगली पे चला जाता है, फिर मैं अगली पे जाऊंगा तो वो अगली पे चला जाएगा, चेक करना जरा इसका काम। इधर लड़का मतलब जितना अच्छा खेल रहा होता है ना, तो लास्ट पे उतना ही मतलब खराब कर देता है खुद को, तो नेडो से वो बहुत बच रहा होता है। स्मोक मैंने इसलिए कर दिया था कि जैसे ही मैं स्पाइडर मारूं उसको नजर ना आए, तो यहाँ से ये भाग रहा होता है करीब, तो मैं पीछे से मार देता हूँ।
अब बाबा जी चक्कर आ जाता है कि स्ट्रीमर वाला जो 1v4 हुआ इन पे, तो ये क्रैक बाबा नाम का बंदा है जो स्ट्रीम करता है, चेक कर लेना आप भी। इधर ये ताज़े ताज़े रिवाइव हुए हुए होते हैं, तो मैं पीछे से आके दोनों को नाक कर देता हूँ। अब इनके दो टीममेट्स हैं, उनके साथ मेरी फाइट होगी। नहीं मैंने मारे हाँ जी बाबा जी। तो कंटेंट के लिए माजरत अगर कोई भी पार्ट बुरा लगा हो, तो ये इधर क्रैक बाबा एक्स लाइव नाम का बंदा था जिन पे मेरा 1v4 हुआ था। ये स्ट्रीमर है, लाइव स्ट्रीम करता है यूट्यूब पे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।